नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा स्वेटर का डिजाइन बनाने के लिए बताऊंगी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास दी हुई घंटी को दबा दीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने सिलाई पर अपने स्वेटर के अनुसार फंदा डाल लीजिए। फंदा आप 11 के मल्टीप्लस पे डालिए और 4 फंदा एक्स्ट्रा डाल दीजिए। फंदा डालने के बाद आप बॉर्डर बना लीजिए, जिस तरह का आपको बॉर्डर बनाना हो बॉर्डर बना लीजिए। और बॉर्डर बनाने के बाद आपको ये डिजाइन शुरू करना है, तो ये डिजाइन आपको रॉन्ग साइड से उल्टा साइड से शुरू करना है। तो देखिए, पहला सिलाई जो हम बनाएंगे उल्टा के तरफ से पहला फंदा को उतार लेंगे या बुन देंगे, जो भी आप चाहते हैं। तो पहला फंदा को हम उतार लिए या बुन दिए, दो फंदा सीधा बनाएंगे, एक दो, दो फंदा सीधा, फिर धागा आगे, तीन फंदा उल्टा बनाएंगे, एक दो तीन, तीन फंदा उल्टा बनाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 6 फंदा में हम डबल करके उतारेंगे। देखिए, एक ऐसे, दो तीन चार पांच और एक, 6 फंदा में ऐसे डबल करके उतारेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे और दो फंदा सीधा बनाएंगे, एक दो, दो फंदा सीधा, फिर धागा आगे और तीन फंदा उल्टा बनाएंगे, एक दो तीन, तीन फंदा उल्टा। तो यहाँ पर से देखिए हमारा एक डिजाइन यहाँ पर से समाप्त हो गया। तीन, देखिए, दो फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा 5 और 6 फंदा पे डबल, 11 फंदा का ये हमारा डिजाइन पूरा हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम दूसरा डिजाइन बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम दो फंदा सीधा और तीन फंदा उल्टा बनाए। अब देखिए 6 फंदा में यहाँ पर डबल करके उतारेंगे, एक दो तीन चार पांच 6, 6 फंदा में डबल करके उतार दिए। फिर धागा पीछे, यहां पर जो 3 फंदा बचा है तो इसमें से 2 फंदा को सीधा बनाएंगे और 1 फंदा को उल्टा से बना देंगे। तो देखिए ये हमारा पूरी सिलाई कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट रो उल्टा की तरफ से। अब सीधा की तरफ से देखिए, सीधा की तरफ से देखिए पहला फंदा को उतार लेंगे, धागा को आगे करेंगे और दो फंदा उल्टा बनाएंगे, एक दो, दो फंदा उल्टा बनाए, धागा पीछे, तीन फंदा, यहाँ पर देखिए 6 फंदा हमारा डबल डबल है, तो एक दो तीन चार पाँच 6 फंदा जो डबल था इसको हम खोल लेंगे। और खोलने के बाद देखिए इस 3 फंदा को ऐसे इसके ऊपर से ऐसे करके पास कर देंगे, तीन फंदा को इस 3 फंदा के ऊपर से ऐसे पास करना है, इस तरह से पास कर लेना है 3 फंदा को, तो ऐसे क्रॉस हो जाएगा। क्रॉस होने के बाद इसको इस पे चढ़ा देना है, देखिए इस तरह से तीनों फंदा को इसके ऊपर पे चढ़ा देना है। अब इस 3 फंदा को पहले बनाना है, तो इस 3 फंदा को जो पहले बनाएंगे तो हम इसको इधर से बनाएंगे, देखिए एक इसको थोड़ा सा निकाल लीजिए, दो और एक, तीन, तीन फंदा को इस तरह से बना लिए और ये 3 फंदा जो है इसको हम पीछे से बनाएंगे, देखिए ऐसे, एक दो और एक, तीन,
तो इस तरह से हमारा ये क्रॉस हो जाएगा। धागा पीछे करेंगे और तीन फंदा सीधा बनाएंगे। देखिए तीन फंदा सीधा, तो यहाँ पर देखिए हमारा 11 फंदा का ये डिजाइन बन गया है। दो फंदा उल्टा, 6 फंदा को क्रॉस किए हैं और तीन फंदा सीधा। फिर धागा आगे, अब यहाँ पर से दूसरा डिजाइन बनेगा। तो देखिए यहाँ दो फंदा उल्टा और जो ये 6 फंदा हम डबल किए हैं इसको हम खोल देंगे। तो देखिए यहाँ 6 फंदा खोल दिए और इसको हम जैसे उस पर क्रॉस किए थे उसी तरह इस 6 फंदा में से देखिए इस तीन फंदा को फिर इस तीन फंदा के ऊपर से इस तरह से ला करके ऐसे निकाल देना है, क्रॉस कर लेना है और फिर इस तीन फंदा को इसके ऊपर में चढ़ा देना है। देखिए इस तरह। अब देखिए इस तीन फंदा को हम आगे से बनाएंगे ऐसे। इस तीन फंदा को जो हम आगे लाए हैं इस तीन फंदा को पहले हम सीधा से बनाएंगे। धागा को पीछे करेंगे और इस तीन फंदा को सीधा बनाएंगे। एक, दो और एक, तीन। इस तीन फंदा को सीधा बना लेंगे, फिर इस तीन फंदा को पीछे से ऐसे सीधा बनाएंगे। एक, दो और एक, तीन। तीन फंदा को, 6 फंदा को बना लिए। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा तीन फंदा सीधा है इसको हम सीधा बना लेंगे। एक, दो, तीन। फिर धागा को आगे करेंगे, ये दो फंदा उल्टा है इसको हम उल्टा बना लेंगे। एक, दो। धागा पीछे करेंगे, लास्ट स्टिच को सीधा बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम सीधा के तरफ से सेकेंड रो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बनाएंगे थर्ड रो उल्टा की तरफ से। उल्टा की तरफ से देखिए पहला फंदा को उतार लेंगे, धागा को पीछे करेंगे, दो फंदा सीधा, धागा आगे और इस बार देखिए हम 6 फंदा पे पहले इस तरह से डबल करेंगे। तीन फंदा इस बार सीधा पहले नहीं बनाया है, पहले यहाँ पर 6 फंदा जो उल्टा है इस पे हम डबल करेंगे। दो, तीन, चार, पांच, छह फंदा पे डबल कर लिए। फिर देखिए यहाँ पर तीन फंदा जो उल्टा है इसको हम उल्टा से बनाएंगे। एक, दो, तीन। फिर धागा को पीछे करेंगे, दो फंदा सीधा बनाएंगे। एक, दो। दो फंदा सीधा, धागा आगे, 6 फंदा पे डबल करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच और एक, 6 फंदा पे डबल कर लिए। फिर तीन फंदा उल्टा, एक, दो, तीन। तीन फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो फंदा सीधा, फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा। तो देखिए हम यहाँ पर थर्ड रो उल्टा की तरफ से पूरी सिलाई कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बनाएंगे सीधा की तरफ से चौथी सिलाई। चौथा सिलाई देखिए पहला फंदा को उतार लेंगे, धागा आगे, दो फंदा उल्टा, धागा पीछे और यहाँ पर तीन फंदा हमारा प्लेन है सीधा, तो हम इसको तीन फंदा सीधा बना लेंगे। पहले तीन फंदा सीधा और अब यहाँ पर जो 6 फंदा हमारा उल्टा है अब ये क्रॉस इधर जाएगा। तो क्या करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6 फंदा को खोल लिए और इस बार जो हम इसको उठा के इसके ऊपर किए थे इस बार इस तीन को उठा करके इसके ऊपर करना है। तो हम क्या करेंगे, इस सिलाई पे सबको चढ़ा देंगे और इस तीन को इस तरह से ऊपर से ऐसे इस ओर ले आना है, इस तरह से पास करेंगे और इसको हम इस सिलाई पे फिर से चढ़ा लेंगे। और देखिए अब तीन जो बनाएंगे सीधा से तो पीछे से पहले बनाएंगे। एक, दो और एक, तीन।
इस तीन को पहले बना लिए और अब इस तीन को बनाएंगे, एक दो तीन, इस तीन फंदा को बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर अब क्रॉस होगा। इस तरह से देखिए, अब हम फिर यहाँ पर धागा को आगे करेंगे, दो फंदा उल्टा बनाएंगे। तो ये हमारा एक डिजाइन बन गया। अब हम यहाँ पर दूसरा डिजाइन बनाएंगे, तो दो फंदा उल्टा, धागा पीछे और तीन फंदा सीधा, जो है इसको हम सीधा बुन लेंगे, एक दो तीन, तीन फंदा सीधा। फिर इसको हम खोलेंगे, छह फंदा को, तीन चार पाँच छः, छः फंदा को खोल लिए और अब हम इस सिलाई पे इस छः फंदा को चढ़ा लेंगे। देखिए, छः छः फंदा को इस सिलाई पे चढ़ा लेंगे और इस तीन फंदा को इस तीन फंदा के ऊपर से ऐसे क्रॉस कर देंगे और इसको फिर से इस सिलाई पे चढ़ा लेंगे। अब देखिए देखिए, इसको हम पीछे से पहले बनाएंगे। तो इस तीन को पहले, एक दो और एक तीन, इस तीन को पहले हम बनाएंगे। देखिए, ये तीन जो आगे है इसको हम पहले पीछे से बना लेंगे, उसके बाद इस तीन को हम आगे से ऐसे बनाएंगे, एक दो और एक तीन। तो इस तरह से छह फंदा को हम क्रॉस कर लेंगे, धागा को आगे करेंगे और दो फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और लास्ट वाला फंदा को सीधा बना लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारा ये डिजाइन बनके कंप्लीट हो गया है और इस तरह से हम पूरे स्वेटर में इसको रिपीट करते जाएंगे। तो हम थोड़ा सा आपको रिपीट करके दिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम रिपीट कर लिए हैं और हमारा ये डिजाइन बन करके तैयार हो गया है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये स्वेटर का डिजाइन कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर